न्यूज़ खबरों की नई पहचान। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और सीआरपी जवान के द्वारा फ्लैग मार्च कराया गया है। वहीं सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि 106 समवाय के पश्चात फ्लैग मार्च कराया गया। वहीं धनबाद की कुछ जगह को चिन्हित किया गया है और वहीं फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। वहीं एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि धनबाद जिला में ऐसे कई जगह जहां दो समूह के साथ होने वाले असमंजस एवं सांप्रदायिक मामले में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में चिन्हित जगहों पर फ्लैग मार्च करवाया गया ताकि भविष्य में होने वाले सांप्रदायिक माहौल से आसानी से निपटारा किया जा सके। जोड़ापुर का क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराया जा रहा था, मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो फ्लैग मार्च चल रहा है बी 106 समवाय के प्लाटून के द्वारा परिचयात्मक अभ्यास में धनबाद जिला में आकर उन लोग के द्वारा सांप्रदायिक रूप से जो भी संवेदनशील स्थल हैं उनका मुआयना किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी घटना घटती है सांप्रदायिक रूप से तो उस समय जब इनको बुलाया जाता है तो इनको काम करने में आसानी हो और इनको सभी तरह की जानकारी फील्ड की मिल जाए, इसी के लिए एक फ्लैग मार्च का अभ्यास चल रहा है। सर, कुछ लोकेशन भी चिन्हित किए गए? हाँ, जो जैसे कि पूर्व में जो भी हमारे संवेदनशील स्थल हैं जहाँ भी किस तरह के क्रिमिनल वारदातें हुई हैं उन्हीं इलाकों को टारगेट करके ये किया गया।